पिछली पट्टी के बारे में नहीं बात करना। बोलो सर, हीरो के बारे में बात करेंगे, लेकिन बस एक सवाल आपसे पहले ही पूछ देता हूँ, उसके बाद सूरज पांचोली मीडिया के सामने नहीं आगे क्यों नहीं आएंगे? वो आपने ट्रेवल वन में आए थे, अभी वो बर्थडे पार्टी अटेंड कर आएंगे आएंगे। उन्होंने साफ मुझसे मना किया कि मैं नहीं, वो आएंगे, डोंट वरी, ही विल कम, कोई रीजन नहीं, आएंगे भी। ये एक स्ट्रेटजी होता है, अभी स्ट्रेटजी की वजह से वो लोग आ जाएंगे सर, जब म्यूजिक रिलीज होगा तब आएंगे, आ जाएंगे, डोंट वरी, आ जाएंगे। जी मुझे मतलब मुझे आई बीन इन्वाइटेड टू कम फॉर दिस फिल्म। मैं मुझे लगता है कि आजकल मराठी सिनेमा एट इट्स पीक, सबसे वाइब्रेंट है। आप कॉट देखिए, उसके पहले जो भी दो तीन दूसरे मराठी फिल्म्स आई हैं, बहुत ही दिलचस्प मराठी फिल्म्स आई हैं। तो आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग उषा जी, जो ये फिल्म के डायरेक्टर की बहन है। उनको मैं नेशनल अवार्ड, जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो उनको धक के लिए नेशनल अवार्ड मिला था उसी टाइम पे, तो उन्होंने मुझे इस टाइम पे ये फिल्म के लिए इनवाइट किया था। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। हमेशा मराठी सिनेमा में वेरिएशन हमेशा थी। रीजनल सिनेमा एक्चुअली हिंदी सिनेमा से काफ़ी आगे है, हर तरह के रीजनल सिनेमा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स, मतलब एक्सप्लोर करते हैं टेक्निक, एक्सप्लोर करते हैं नैरेटिव, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करते हैं। तो रीजनल सिनेमा हमारे से हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा से काफ़ी आगे है। तो इट बी अनफेयर टू से कि अभी वो लोग कर रहे हैं, वो लोग तो कभी बिगनिंग से ही कर ही रहे थे। और सर, बड़े स्टार सलमान अक्षय प्रोड्यूस कर रहे हैं मराठी जी, अक्षय का ये भी मानना है कि कंटेंट काफ़ी बेहतर होता है हिंदी सिनेमा के कंपैरिजन में, तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही है। मैं तो वही कह रहा था कि हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा जो थोड़ी बहुत फॉर्मूला सिनेमा बन चुकी है, मेरा भी उसमें काफ़ी दोष है। तो मैं जो अक्षय, सलमान, रितेश देशमुख वगैरह जो कर रहे हैं, आई कम्प्लीटली सपोर्ट दे जिस तरह से वो लोग रीजनल सिनेमा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर से कोई डायरेक्टर का बॉलीवुड का स्टैंप लगता है तो उसका कॉम्पिटिशन खुद बढ़ जाता है, अगर वो रीजनल डायरेक्टर ही बन के रहेगा तो सक्सेस लेवल पे नहीं पहुँचेगा। हाँ, वो काफ़ी सैड बात है, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत कामत के अर्लियर फिल्म जो थे वो कमाल के फिल्म्स थे, एंड मैं निशिकांत कामत का फ़ैन तब से था। तो इफ स्टूडियोज़ कैन गिव एन इंकरेजमेंट टू रीजनल सिनेमा, जिस तरह से हम लोग बॉलीवुड फिल्म, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से बजरंगी भाईजान को रिलीज़ किया जाता है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जो छोटी भी फिल्म्स हैं उसी तरह से अगर रीजनल सिनेमा को भी एक्सप्लॉइट किया जाए, इनकरेज किया जाए, तो इवन द स्मॉलर डायरेक्टर्स और जो रीजनल सिनेमा के डायरेक्टर्स हैं, दे कैन रियली रियली बिकम हाउस होल्ड नेम्स। सर, एक बहुत बड़ी बात अभी सामने आई है, बाहुबली मुझे इस बार आप मुझे बता रहे, मुझे पता भी नहीं है। देखिए क्या है कि बैंगिस्तान हो या जो भी इंटरेस्टिंग ऑफ बीट, थोड़ा बहुत मिडिल ऑफ द रोड, मतलब डिफरेंट कहानी वाली फिल्म्स जो है, इट नीड्स टू हैव अ क्लियर विंडो फॉर रिलीज, जहाँ पे एक हफ्ता दो हफ्ता क्लियर मिले। और अगर बड़े बड़े फिल्म्स में फिल्म जो अच्छी भी बन रही, क्योंकि मेरे ख्याल से बजरंगी भाईजान बहुत ही बेहतर फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ चांस, बेटर कि आप थोड़ा शिफ्ट कर लें, ताकि आपको एक क्लियर विंडो मिले, ताकि आपके फिल्म के लिए भी लोग आके देखे। सर, आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको बायोपिक बनाने का मौका मिले तो आप किसे बनाएंगे और किस पर्टिकुलर व्यक्ति को बनाएंगे? अगर मुझे बायोपिक बनाने को मिले, मैं एक स्क्रिप्ट है जो काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, बॉलीवुड डायरेक्टर्स के पास आया है या आइडिया आया है, वो किशोर कुमार पे एक जो बायोपिक जो अभी रणबीर कर रहा है, तो आई थिंक किशोर कुमार इस कंट्री के क्रिएटिव लोगों में से बहुत ही कमाल के एक कैरेक्टर है, जिनके लाइफ पे मतलब बायोपिक बहुत ही दिलचस्प बन सकता है।
ठीक है ना। क्या कहना चाहेंगे आज आपको काफ़ी लोग आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये बहुत मतलब मराठी की अलग फिल्म है, इसकी स्टोरी जो है रीजनल है और इसमें मेरा किरदार है 20 से 65 साल तक का और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने ये फिल्म देखी है, बच्चन जी ने इसे ट्वीट किया है, तो बहुत बड़ी बात है, और अनिल कपूर जी ने म्यूजिक लॉन्च किया है फिल्म का, और सभी तरफ से शुभकामनाएं आ रही हैं जी। अपने माता जी पिताजी का जो भी सपना होता है तो बच्चे वो सपना पूरा करते हैं या नहीं करते, या खुद के ही सपने को सपनों के पीछे भागते हैं, ये इशू को लेकर ये फिल्म बनाई गई है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं पांडुरंग जाधव जी, इन्होंने बहुत अच्छा निर्देशन किया है, मिताली जो मेरी कोआर्टिस्ट है इसने भी बहुत अच्छा काम किया है और हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही आनंददायक है, इसलिए क्योंकि आफ्टर नेशनल अवार्ड ये मेरी रिलीज़ होने वाली पहली मूवी है जो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद है, तो ये कहीं तो भी मेरे लिए बहुत इमोशनली अटैच वाला प्रोजेक्ट है। और कैरेक्टर वाइज और मूवी वाइज प्रोजेक्ट वाइज अगर मुझे कहना है तो इट्स अ बायोपिक जो एक रियल स्टोरी के ऊपर है, जिसलिए कैरेक्टर भी हमें वही प्ले करने हैं जो अभी भी लाइव है, जो जिंदा है, ऐसे लोगों को हमें देख के प्ले करना था, तो एक अलग चैलेंज था। इसमें एक एज ग्राफ था जो 20-60 का मुझे प्ले करना था, जो एक बहुत वर्क सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं जो इससे मिला, सो बहुत एक्साइटेड है। आपको पोस्टर में बच्ची का किरदार कुछ लगा? वही है कि 20 से 60 साल की उम्र का एक पूरा जो स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, जो इसमें मुझे प्ले करना है। टफ रहा क्योंकि आपकी एक्चुअल एज कुछ ज़्यादा है? नहीं, आर्टिस्ट के लिए प्ले करना कोई टफ नहीं। हाँ, आप ऐसे कह रहे? नहीं नहीं। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले हैं आप दोनों को अपने किरदार के लिए खास करके? कॉम्प्लीमेंट मिलने का दिन तो आज के बाद शुरू होगा। जो एक्चुअली मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट जो रियल कॉम्प्लीमेंट होती है वो होती है ऑडियंस की, तो बाकी के लोगों की तो ब्लेसिंग होती ही है, सपोर्ट होता है, लेकिन जो रियल कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगी वो हमें मिलेगी जो ऑडियंस है जो रिलीज इतना जी। बहुत अच्छा था क्योंकि मिताली जी ने कभी मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि उनको नेशनल अवार्ड है और मेरी ये और पहली मुझे भी इसने कभी किसी भी परफॉर्मेंस में ऐसे महसूस नहीं हुआ कि ये इज़ अ न्यू कमर, कि अरे थोड़ा टाइम लग रहा है या फिर बहुत रिहर्सल करनी पड़ती है, तो हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जेल हो गए थे। और लोगों को मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.